जय हिंद डियर स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग सिलेंड्रिकल कॉयल, जिसको हम लोग शॉर्ट में सोलेनॉइड बोलते हैं। अब सोलेनॉइड क्या है, सबसे पहले तो हम यही जान लें कि सोलेनॉइड होता क्या है। देखो बेटे, अगर अपने पास कोई एक मटेरियल है और वो एक पाइप है, मान लो एक इंसुलेटिंग मटेरियल है, एक आजकल तो हम लोग सोलेनॉइड में जो इसका कोर लेते हैं, सॉफ्ट आयरन कोर लेते हैं, लेकिन शुरुआत में जब सोलेनॉइड बना था तो यहाँ पर एक कॉन्स्टेंट एक ऐसा इंसुलेटिंग मटेरियल लेते थे, जैसे पोर्सलिन वगैरह लेते थे, तो कोई भी इंसुलेटिंग मटेरियल ले लेते हैं, और इस मटेरियल की जो लेंथ है उस लेंथ के रेस्पेक्ट में इसका रेडियस या डायामीटर जो अगर हम लेते हैं, मान लो डायामीटर वो बहुत छोटा हो, बहुत छोटा, ये शर्त है सोलेनॉइड होने का कि लेंथ के रिस्पेक्ट में इसका डायमीटर बहुत छोटा हो। और फिर हम क्या करते हैं, एक कॉपर का वायर लेते हैं। याद रखना कि यहाँ पर मैं कॉपर का वायर ले रहा हूँ, लेकिन कैसा वायर ले रहा हूँ ये भी आप याद रखना, इंसुलेटेड कॉपर वायर ले रहा हूँ, इंसुलेटेड कॉपर वायर ले रहा हूँ, कॉपर वायर ले रहा हूँ। अब ये इंसुलेटेड कॉपर वायर क्या होता है, ये बात भी आपको पता होना चाहिए। जैसे वायर हो तो उसके ऊपर इंसुलेटिंग मटेरियल की क्या हुई हो, कोटिंग हुई हो, ऐसे कोटिंग हुई हो इंसुलेटिंग मटेरियल की, उस वायर को लेते हैं और उस वायर को इसके ऊपर, इस मटेरियल के ऊपर क्या करते हैं, ऐसे वाइंड कर देते हैं, ऐसे लपेट देते हैं, इस तरीके से ऐसे इसमें क्या करेंगे, लपेट देंगे। बस इसी बनावट को हम लोग क्या बोलते हैं, सोलेनॉइड बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, सोलेनॉइड बोलते हैं, यही हो गया सोलेनॉइड। ठीक है, तो वी हैव अ मटेरियल सर्कुलर सिलेंड्रिकल मटेरियल व्हिच इज द लेंथ इज वेरी लार्ज विथ कंपैरिजन टू द डायमीटर एंड इंसुलेटेड कोटेड कॉपर वायर इज वुंड ऑफ द लेंथ ऑफ दिस रॉड। इस रॉड के लेंथ पर हम क्या कर देते हैं, लपेट देते हैं, उंड कर देते हैं, तो दिस इज कॉल्ड सोलेनॉइड। यही क्या है, सोलेनॉइड है। बस यही इस लेक्चर में हम लोग समझेंगे कि सोलेनॉइड किस तरीके का इलेक्ट्रोमैग्नेट की प्रॉपर्टी को शो करता है, तो चलते हैं इस चीज़ को देखने के लिए। तो जो हमने आपको समझाया वही हमने लिख भी दिया है यहाँ पर कि इफ़ द कंडक्टिंग वायर इज उंड इन फॉर्म ऑफ अ सिलेंड्रिकल कॉयल हुज द डायमीटर इज लेस इन द कंपैरिजन टू इट्स लेंथ, द कॉयल इज कॉल्ड सोलेनॉइड। इसी कॉयल को क्या बोलते हैं, सोलेनॉइड बोलते हैं। अब हमारे पास क्या हो गया, सोलेनॉइड हो गया, और उस सोलेनॉइड में हम कुछ अरेंजमेंट लगाने वाले हैं, और क्या किस तरीके का अरेंजमेंट लगाने वाले हैं, देखो ज़रा। ये हमने क्या किया, यहाँ पर एक वायर लगाया और वायर से की होते हुए हमने एक बैटरी लगा दी, और कुछ इस तरीके से ऐसे यहाँ पर कनेक्ट कर दिया है, ये ऐसे वायर आ रहा है। तो ये हमने जैसे ही की को ऑन किया, ये पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल, और करंट हमारा आई ऐसे जाएगा, और करंट आई के जाने के बाद पीछे से होते हुए कुछ इस तरीके से करंट ऐसे आ जाएगा, करंट कुछ इस तरीके से ऐसे आ जाएगा, करंट इस तरीके से ऐसे आ जाएगा, ये करंट का डर, ये करंट। आपने राइट हैंड थंब रूल पढ़ा था, राइट हैंड थंब रूल में आपने ये देखा था कि करंट कैरिंग कंडक्टिंग वायर में इधर थंब रखें और अपने फोर फिंगर को क्या करें, हम कर्ल करें, तो फोर फिंगर ऐसे कुछ कर्ल होगा, ऐसे कुछ कर्ल होगा। तो आप ये देख रहे हैं कि अगर ये थंब ऐसे कुछ कर्ल होगा, ऐसे कुछ कर्ल होगा, तो अगर इस डायरेक्शन में आप थंब को रखेंगे, इस डायरेक्शन में आप थंब को रखेंगे, तो आपको फोर फिंगर अंदर की ओर ऐसे कर्ल होगा, अंदर की ओर कर्ल होगा, यानी कि ये इंडिकेट कर रहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं इस डायरेक्शन में एंट्री करेंगी, इस डायरेक्शन में एंट्री करेंगी, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ पर जब आप देखोगे तो यहाँ पर बाहर की ओर निकलेंगे, यानी कि सोलेनॉइड एक बार मैग्नेट के लाइक बिहेव करने लगा, और इसका ये वाला जो एंड है वो नॉर्थ पोल बन गया है, ये वाला एंड नॉर्थ पोल बन गया, और ये वाला एंड साउथ पोल बन गया, ये नॉर्थ पोल बन गया, ये साउथ पोल बन गया, और ये इसका बिहेवियर एक बार मैग्नेट के लाइक होने लगा, और बार मैग्नेट का ये नॉर्थ पोल है, और ये कौन सा पोल है, ये साउथ पोल है। बस इसी बिहेवियर को हम लोग समझने वाले हैं सोलेनॉइड के। देखो यही पूरा का पूरा सेटअप हमने बना रखा है कि ये सेटअप है जिसमें एक सोलेनॉइड लिया गया है, सोलेनॉइड का फ्रंट वाला पार्ट हम यहाँ पर काट कर आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से सिर्फ वायर को इस तरीके से ऐसे, देखो ये वायर ऐसे निकल रहा है, ऐसे 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 निकल रहा है, और करंट की जो डायरेक्शन है वो करंट की डायरेक्शन अपवर्ड है, यहाँ पर अपवर्ड डायरेक्शन में करंट ऐसे फ्लो हो रहा है।
करंट अगर ऐसे फ्लो हो रहा है तो इसका मतलब करंट पीछे से ऐसे आ रहा होगा और इस तरीके से जा रहा होगा करंट। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके से ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं ऐसे। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जा नहीं रही, सॉरी एंट्री हो रही है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड इंटर कर रही है और यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो रही है, निकल रही है। यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड निकल रही है, ये मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहे हैं, निकल रहे हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड निकल यहाँ से यहाँ इंटर कर रहे हैं और दूसरे वाले एंड पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो रहे हैं, निकल रहे हैं। तो ये पोल हमारा नॉर्थ पोल बन गया और ये पोल हमारा क्या बन गया, साउथ पोल बन गया। ये साउथ बन गया और ये नॉर्थ बन गया, ठीक है। हमने ऑब्जर्व किया क्या किया इस प्रैक्टिकल में, हमने ऑब्जर्व किया कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्या ऑब्जर्व किया, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड द सोलेनॉइड। और आपको दिख भी रहा होगा सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे हैं, बिल्कुल यूनिफॉर्म स्ट्रेट एक दूसरे से सेम डिस्टेंस पर। और जब कभी भी ये प्रॉपर्टी दिखे तो हम समझ जाते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड द सोलेनॉइड कैसा है, यूनिफॉर्म है। दूसरी बात कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बिकम्स डेंसर ऑन इंक्रीजिंग द करंट इन द सोलेनॉइड। ये तो बहुत कॉमन पॉइंट है, ये हर एक केस में मैं बताता आया हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंक्रीज हो जाता है जब करंट को हम इंक्रीज करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डिक्रीज हो जाता है जब हम करंट को डिक्रीज करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन रिवर्स हो जाता है जब हम करंट के डायरेक्शन को रिवर्स करते हैं। यानी कि जब कभी भी हम पोलरिटी ऑफ द करंट चेंज करते हैं, मान लो कि ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, इसकी पोलरिटी मैं चेंज कर दिया, इसको नेगेटिव और इसको पॉजिटिव कर दिया, तो पोलरिटी ऑफ द करंट के चेंज करने से अभी जो साउथ पोल था वो नॉर्थ पोल बन जाएगा और जो नॉर्थ पोल था वो साउथ पोल बन जाएगा। तो पोलरिटी ऑफ द डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज करने से, या कह सकते हैं पोलरिटी ऑफ बैटरी के चेंज करने से हमारा चेंज हो जाता है मैग्नेटिक फील्ड भी, ठीक है, ये चीज़ आप याद रखो। नेक्स्ट है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंक्रीज इफ़ द नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज। कह रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंक्रीज हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी इंक्रीज हो जाता है जब अब नंबर ऑफ टर्न्स, जैसे ये अपने पास है, अपने पास यहाँ पर मान लो कि नंबर ऑफ टर्न्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27। नंबर ऑफ टर्न्स कितना है, 27। अगर मैं नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पर 50 कर दूँ तो बी इंक्रीज हो जाएगा, यानी नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज कर दिया तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज हो जाएगा। यानी कि अभी तक जो हमको पता था कि आई के इंक्रीज करने से बी इंक्रीज हो जाता था, अब हमको ये चीज़ और पता चल गया कि नंबर ऑफ टर्न्स की इंक्रीज करने से भी बी इंक्रीज हो जाएगा, और अगर नंबर ऑफ टर्न्स डिक्रीज करें तो बी भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। यहाँ पर एक नई बात भी पता चल गई, ठीक है। तो आई के इंक्रीज होने से बी भी इंक्रीज हो जाता है, बी के इंक्रीज होने से एन भी इंक्रीज हो जाता है, आई भी इंक्रीज हो जाता है, ये सारे के सारे डायरेक्टली रिलेशन में हैं, ये बात आप याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आल्सो इंक्रीज इफ द सॉफ्ट आयरन रॉड कोर इज प्लेस्ड लॉन्ग अलोंग द एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड। जहाँ पर हम ये पोर्सलिन का मटेरियल लगाते थे या इंसुलेटिंग मटेरियल लगाते थे, इसकी जगह पर अगर हम यूज करने लगे क्या, सॉफ्ट आयरन का कोर यूज कर लें, सॉफ्ट आयरन यूज कर लें, तो सॉफ्ट आयरन अगर यूज कर लें तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अपने आप और ही ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। क्यों ये इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि सॉफ्ट आयरन कोर की रिटेंटिविटी बहुत लो है, कोर्सिविटी इसकी क्या है, बहुत लो होती है, तो कोर्सिविटी और रिटेंटिविटी सॉफ्ट आयरन की बहुत कम होती है, इस वजह से लो होती है, और इसी वजह से हम क्या करते हैं, यहाँ सॉफ्ट आयरन यूज़ करते हैं, और सॉफ्ट आयरन की यूज करने से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाती है, वो इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है बेटे हमारा कि पी एंड पी डैश, देखो यहाँ पर बना हुआ है पी एंड पी डैश, ये पी एंड पी डैश और क्यू एंड क्यू डैश, क्यू एंड क्यू डैश, पी एंड पी डैश लाइक एज द नॉर्थ पोल, वो कैसा बन गया है नॉर्थ पोल, एंड क्यू डोस क्यू डैश लाइक एज द साउथ पोल। इफ़ द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज रिवर्स देन द पोलरिटी ऑफ द सोलेनॉइड विल बी रिवर्स। ये हमने पहले भी बताया आपको, सोलेनॉइड में हमने बताया था कि ये अगर आप पी मान रहे हो, पी डैश मान रहे हो, इसको पी मान रहे हो, इस पॉइंट को क्यू मान रहे हो और इस पॉइंट को क्यू डैश मान रहे हो, तो पी पी डैश ऐसा बिहेव कर रहा है जो हमने इसमें बताया, इसमें तो पी पी डैश साउथ पोल लाइक बिहेव कर रहा है, उसमें क्यू क्यू डैश पी वो पी, लेकिन जो हमने आपको डायग्राम बनाकर बताया उसमें देखो पी पी डैश कैसा बन रहा है, नॉर्थ पोल बन रहा है, और साउथ पोल कैसा बन रहा है, सॉरी क्यू क्यू डैश कैसा बन रहा है, साउथ पोल बन रहा है, लेकिन जो हमने डायग्राम बना इसमें पी पी डैश क्या हो गया है, साउथ पोल बन गया है, और क्यू क्यू डैश नॉर्थ पोल बन गया है, क्या बन गया है, नॉर्थ पोल बन गया है। इसका ये मतलब हुआ कि करंट का डायरेक्शन हमने रिवर्स बनाया है, और डायग्राम में जो है उसमें करंट का डायरेक्शन दोनों, मतलब हमारे वाले से
और इस वाले से डायरेक्शन का क्या हो गया है, डिफरेंट हो गया। इसमें करंट का डायरेक्शन ये है और उसमें हमने रिवर्स कर दिया है। तो यहाँ से क्या पता चल पाया, यही बात पता चल पाया कि करंट का डायरेक्शन जब हम चेंज कर देते हैं, तो पोलरिटी ऑफ द सोलेनॉइड भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है।